चीज़ें तो आ चुकी हैं, थोड़े बहुत चीज़ें और आ रही हैं जैसे कि मॉनिटर और बाकी सारी चीज़ें आएगा। क्यू की मॉनिटर है, इट इज़ 240 Hz मॉनिटर। जब ऐसी आपको स्क्रिप्ट देखने को मिल जाए जिस पे आपने मेहनत करी है, स्क्रिप्टिंग करी है, अच्छा लगा कि हाँ चलो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे टाइम तक इसको हम कर सकते हैं, तो मे बी मैं इसमें इन्वेस्ट भी कर दूँ। मेन जो स्पेसिफिकेशन है इसका ग्राफिक कार्ड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। पबजी एमुलेटर की डाउनलोड तो करनी है। ऐसा बहुत कम होता है जब ऐसी तेज हवा देखने को मिले और खास करके जून जुलाई के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा तेज गर्मी होती है। आई डोंट नो किस वजह से कम हुआ है, मे बी लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, उस वजह से पॉल्यूशन कम है एंड पूरे ओवरऑल एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ रहा है, रियली डोंट नो। तो इंस्टाग्राम पर कल मैंने स्टोरी डाली थी एंड मैंने आपको बताया था कि जो मेरा अभी खाली सेटअप आप लोगों को दिख रहा है, जो मेरी टेबल बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ या फिर यूट्यूब सर्फिंग के लिए, तो उसको अभी कन्वर्ट करने वाले हैं एक प्रॉपर गेमिंग सेटअप में। एंड मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ गेम स्ट्रीमिंग। तो पबजी की जो गेम है ना, जब इंडिया में आई थी 2 साल पहले आई गेस, तब से ही मैं खेलता था और 1 साल या 1.5 साल मैंने लगातार खेली। अभी कुछ टाइम से मैंने उसको खेलना बंद कर दिया है, लेकिन अब जो मैं सेटअप करने वाला हूँ वो होगा एक प्रॉपर गेमिंग सेटअप जिसमें मैं पीसी से पबजी मोबाइल के एम्यूलेटर में, एम्यूलेटर है जो भी चीज़ें होती है, उस चीज़ को अच्छे से करके स्ट्रीम करूँगा एंड उस चैनल पर लाइव आऊँगा जहाँ पर आप लोग भी देख पाओगे एंड साथ ही साथ इंटरैक्ट भी कर पाओगे। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 4, मैंने बुलाया है बंदे को 5 बजे और वो फिर सेटअप करके जाएंगे यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि उसने मुझे बोला था कि 250 FPS पर ये गेम चलेगी, विच इज़ रियली अमेजिंग। और 250 FPS पर अगर चल रही है तो गेम इज़ लाइक वो, क्योंकि मैंने जब iPhone 11 Pro Max में खेली है, iPhone 11 Pro में खेली है और अपने पिक्सल में खेली है, तो हमेशा हाई ग्राफिक्स या फिर अपना हाई फ्रेम रेट पे खेलता हूँ, क्योंकि मेरे को ना लैगी और वो चॉपी जब वो चीज़ें आती हैं मुझे उसमें खेलना पसंद नहीं है। तो अभी मेरा हाथ बैठना ज़रूरी है, मुझे फ़ोन में अच्छे से आती है, कंप्यूटर में नहीं आती है, तो जैसे ही सेटअप आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी फ़िलहाल मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि मेरा मन कर रहा है स्क्रिप्टिंग करने का इस मौसम में बैठ के, तो मेरे को अभी एक चैनल दूसरे चैनल के लिए अपने वीडियो बनानी थी, उसके लिए स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं फिलहाल बैठ के। बहुत खुला आसमान है अगर आपको दिख रहा होगा किस तरीके से, ओह मैन दिस इज़ सो अमेजिंग। इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी हुई कि मेरी ना डायरी ख़त्म हो गई जिसमें मैं यूजुअली स्क्रिप्ट करता हूँ, वो पूरी भर चुकी है। तो मैंने एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें ना पूरे कागज़ थे, कुछ भी नहीं लिखा था, और इसमें मैंने एक चीज़ देखी वो ये था कि इसमें ना मेरे जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने फिल्म मेकिंग स्टार्ट करी थी उसकी कुछ चीज़ें थी, उसकी स्क्रिप्ट थी, और मेनली जो स्टोरी बोर्ड वगैरह बनाए थे, जो चीज़ें मैंने आगे लिख के रखी थी, थोड़ी बहुत अरबन कपूर की स्क्रिप्ट हैं उसमें, लेकिन सारी यादें ताज़ा हो गई। और कितनी मेहनत करता था मैं उस टाइम पे भी, और एक एक चीज़ क्या क्या चीज़ होता था, मतलब मज़े आ जाते थे यार। मैं अपनी YouTube जर्नी भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसको लिख के ऑलरेडी रखा हुआ है कि किस किस तरीके के हर्डल्स आते थे, कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्या एक्चुअली में अर्बन गबरू मेरा फर्स्ट चैनल था, सब चीज़ें आप लोगों को मैं बता के चलूँगा एंड लेट्स होप इट विल कम आउट एज अ ट्रीट फॉर यू गाइज। सबसे बुरी बात तब लगती है जब ऐसी आपको स्क्रिप्ट देखने को मिल जाए जिस पे आपने मेहनत करी है, स्क्रिप्टिंग करी है, लेकिन वो कभी इनटू रियलिटी पॉसिबल नहीं हो पाई है, एंड ऐसी इसमें हज़ारों चीज़ें हैं जो कि मैंने सोची थी, लिख ली थी, लेकिन कभी करी नहीं क्योंकि आगे के काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आगे हमें ये चीज़ें पकड़नी थी। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि इन सबको भी लाइफ में लाया जाए, इन सारी स्क्रिप्ट को भी जान दी जाए, काफ़ी मज़े आने वाले हैं एंड आई एम जस्ट लविंग माई सेल्फ राइट नाउ फॉर राइटिंग दीज। ओए सो कुछ चीज़ें तो आ चुकी हैं, थोड़े बहुत चीज़ें और आ रही जैसे कि मॉनिटर और बाकी सारी चीज़ें आएगा इसके अंदर, मेरे ख्याल से माउस वगैरह होगा, बट अभी मैं इसको छू नहीं सकता, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अभी ऊपर जाकर सैनिटाइज वैनिटाइज करेंगे ना तब इनको छूएंगे, और दिखाता हूँ आपको सेटअप क्या बन रहा है आज फाइनली। सो गाइस फाइनली द पीसी बिल्ड इज रेडी, आपको इस तरीके से दिखा दूंगा। अभी इसके बीरोल्स दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ कि चेतन भाई हमें बताएं इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी, जो नए गेमर्स आ रहे हैं मार्केट में। हाय गाइस, सो ये एक पीसी है प्रॉपर गेमिंग और स्ट्रीमिंग पर्पस के लिए बनाया गया, और ये काफ़ी हाई एंड पीसी है एंड इसकी मेन जो स्पेसिफिकेशन है इसका ग्राफिक कार्ड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें ZOTAC का 2060 सुपर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, प्लस आपके जो मॉनिटर स्क्रीन है वो BenQ की मॉनिटर है, इट इज़ 240 Hz मॉनिटर, मोस्ट प्रीमियम गेमिंग मॉनिटर जो इंडिया में अवेलेबल है। तो 240 Hz रिफ्रेश रेट है आपका,
प्लस आपका मैकेनिकल कीबोर्ड है आंटी स्पोर्ट्स का, आपका लॉगिटेक का गेमिंग माउस है एंड 16 GB ऑफ रैम है फॉर स्मूथ पर्पस एंड 480 GB SSD। तो इसमें सारे प्रोसेस बहुत फास्ट होंगे और बहुत जल्दी होंगे, आइदर इट स्ट्रीमिंग और एंडिंग फॉर गेमिंग पर्पस। एंड है ना, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट पीसी है, मुझे कोई भी गेम स्ट्रीम करनी है आप कोई भी गेम स्ट्रीम कर सकते हो, लेटेस्ट से लेटेस्ट गेम खेल सकते हो विदाउट एनी लैग इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड सो या दिस इज द मेन सेटअप। तो मैंने ये जो पीसी लिया है फिलहाल मैंने रेंट पे लिया है, अभी आपको भैया बताएंगे अगर आप लेना चाहते हो किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर है। मैं भैया का नंबर भी अगर वो चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, कार्ड भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आप थोड़ा बहुत बता दो रेंट का क्या सिस्टम रहता है। सो बेसिकली हमारा एक कैफे, गेमिंग कैफे प्रीतिया में चावला चिकन के पास ही, प्रीतिया मेट्रिशन के पास ही। तो अभी बिकॉज कोरोना इशू चल रहा है तो इसकी वजह से हम पीसी हमारे रेंट पे दे रहे हैं। अगर आप एक गेमिंग पीसी अपने घर पे चाहते हो और घर पे एक्सेस चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स गूगल पे हैं। सो इफ़ एनीवन वांट टू रेंट पीसी और प्लेस्टेशन 4 प्रो दे कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल गिव ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी इसके रिगार्डिंग रहेगी क्वेरी आपकी। मतलब दिल्ली के पास में और दिल्ली के आसपास के जितने भी एरियाज हैं वो आप कर सकते हो अगर आपको गेमिंग स्टार्ट करनी है, स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है। मुझे भी मतलब एक शौक चढ़ा था, मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं। और ये दूसरे भाई है हमारे नकुल भाई, एंड मुझे पता है अभी अभी पता चला कि हम सारे के सारे राधा स्वामी हैं यहाँ पे। एंड अगर आप में से कोई राधा स्वामी है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड इफ़ यू वांट पीसी टू इन योर होम वी कैन प्रोवाइड यू। एंड द गेमिंग आवर नेम ऑफ आवर कैफे लैंडशेक गेमिंग कैफे प्रीत विहार एंड डू विजिट अस। वी आर ओपन विद लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्वियसली सैनिटेशन एवरीथिंग, सो प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस, बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप गेमिंग। अभी आपको दिखाता हूँ बी रोल ऑफ द पीसी। So this is the setup you just watched. This is insane, क्योंकि ये पहली बार जो है वो सेटअप मैंने यूज़ किया है। मैंने इतनी गेमिंग कभी प्रोफेशनली नहीं करी है, मैंने प्रोटोटाइप 2 GTA YCT ऐसी गेम्स जो नॉर्मल लैपटॉप में चल जाती थी वो वाली खेली है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि मैं स्ट्रीम भी करूँ और अपना थोड़ा सा शौक जो है ना वो पूरा कर लूँ। मुझे अगर अच्छा लगा कि हाँ चलो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे टाइम तक इसको हम कर सकते हैं तो मे बी मैं इसमें इन्वेस्ट भी कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए बस आप मज़े लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिस चैनल पे मैं इसको स्ट्रीम करूंगा। तो आ जाओ वहाँ फटाफट जुड़ जाओ, ऑलरेडी वहाँ पर 1,00,000+ सब्सक्राइबर्स है अपने, तो वहाँ पर स्ट्रीम करेंगे और मज़े लेंगे पूरी दुनिया के। मोस्ट प्रोबेबली मैं कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी में से दोनों में से कुछ खेलने वाला हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ जो गेमिंग पीसीज में लगती है ना वो इसका कीबोर्ड है, इतना ज़्यादा लिट अप होता है ना, मतलब मैक का भी लिट वाला होता है बट इसमें अलग अलग RGB करके अलग अलग लाइट्स होती हैं। और दिस इज़ फैसिनेटिंग, इसकी इतनी बड़ी स्क्रीन है। और मैंने ये भी पूछा कि यू नो मैक की तरह क्या ये लोग भी अच्छा एडिटिंग प्रोसेस कर पाते हैं, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे एडिटिंग मैक पर भी बहुत ज़्यादा आजकल मेरे को दिक्कत देने लगी। अडोब प्रीमियर प्रो मैं करता हूँ, प्रीमियर प्रो बहुत ज़्यादा चूज़ जाता है मैक को कभी कभी, और अपने आप कभी कभी ना मैक शट डाउन होने लग जाता है। और ये एक तरह से मैक से भी सस्ता है, और दूसरी बात ये कि अगर ये लोड हैंडल कर पाएगा और लंबे टाइम तक स्लो नहीं होता मेरे उस काम भी ये आ सकता है। सो या इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट एंड एक तरह से सोचना पड़ेगा इस चीज़ को कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ या नहीं। फिलहाल एक लाइव तो नहीं बट एक टेस्ट स्ट्रीम करके देखते हैं, एक टेस्ट कुछ करके देखते हैं, इसमें कोई गेम तो खेलते ही हैं, पता तो चले एग्जैक्टली है क्या गेमिंग पीसी में। सबसे पहले तो गेमर की फील लेंगे हेडफोन पहन के। देखो ओहो ये काफ़ी अच्छे नॉइज़ कैंसिलेशन कर रहे हैं, आई डोंट नो कि नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए होते हैं वाले या नहीं, बट लेट्स ट्राई समथिंग। पबजी मोबाइल इज़ डाउनलोडिंग एंड मुझे स्ट्रीम लैब्स करके एक OBS करके वो आता है, पहले तो एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चलेगा। थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं इसको, डाल वी हैव टू साइन इन एंड साइन इन कर लेते हैं यार गूगल पे। सो दिस इज द फाइनल सेटअप एंड आपको देखने को मिलेगी गेमिंग और स्ट्रीमिंग और आप लोगों से बातें शाते सब कुछ ऑन द चैनल गिवन इन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आ जाओ फटाफट, कल या परसों से होपफुली स्ट्रीमिंग चालू कर दूंगा, थोड़े बहुत कंट्रोल्स थे जो मुझे आज देखे हैं मैंने, पर अभी हाथ बैठा नहीं है ठीक से, तो जैसे जैसे धीरे धीरे बैठेगा वैसे वैसे करेंगे। एंड आपको ज्ञान की बड़ी सारी याद आ रही थी, बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे उसके लिए तो उसको बुला लेता हूँ। हेलो बोलो सबको, पूछो कैसे हो, कैसे हो? और अब बोल दो स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।